बंद करें प्लीज। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और मैं ये बताऊं, मैं उस दिन लाहौर में खड़ी होकर तकरीर कर रही थी, मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान चार बार ऊपर से ऑरेंज ऑरेंज जो ट्रेन थी वो गुजरी, तो नवाज शरीफ को मंशूर बताने की जरूरत नहीं, दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो, जहां जलसे करते नवाज शरीफ पर तनकीद करते सामने भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, पीछे भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, दाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, बाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है। और एबताबाद वालों, सर के ऊपर से ऑरेंज लाइन की शक्ल में नवाज शरीफ का मंसूबा गुजरा होता है, कहां कहां ढूंढोगे, मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान है। तो एबताबाद वालों, मुझे हाथ उठा के मेरे चंद सवालों का जवाब देना, क्या ऑरेंज ऑरेंज ट्रेन एबताबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस एबताबाद का हक नहीं? क्या बाइज्जत ट्रांसपोर्ट एबताबाद का हक नहीं? क्या पंजाब पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट जैसा हॉस्पिटल एबताबाद का हक नहीं? क्या कैंसर हॉस्पिटल एबताबाद का हक नहीं? क्या मोटरवेज का और सड़कों का जाल एबताबाद का हक नहीं? क्या अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटीज एबताबाद का हक नहीं? हजारा का हक नहीं? खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं? तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूं कि खुदा के वास्ते, मैंने उस दिन मानसेरा में भी कहा, खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त ये सोच लेना कि ये वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, करप्शन में लुथड़ा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की तरह तरक्की करनी है? खैबर पख्तूनख्वा भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है, नवाज शरीफ के लिए उतना ही प्यारा है जितना पंजाब प्यारा है, जितना बलूचिस्तान प्यारा है, जितना सिंध प्यारा है। लेकिन बात यह है कि हम तो वही काम कर सकते हैं ना जहां आप हमें मैंडेट देते हो। खुदा के वास्ते इस दफा सोच समझ के उस जमात को मैंडेट देना जो आपके नौजवानों की, आपकी आने वाले नस्लों की हिफाजत करे, उनकी तकदीर बदले, उनके लिए तरक्की का बायस बने। इंशाअल्लाह ताला हमने पूरा प्लान बना लिया है कि हमने आपकी आटा, चीनी, सब्जियां, दालें, उनकी कीमतें हमने कैसे कम कर ली है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली के बिलों में 30% कमी कैसे करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर शहर, गांव गांव, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, वादियों में, वहां बिजली और गैस कैसे पहुंचानी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स किस तरह देने हैं, टेक्निकल स्टार्टअप्स कैसे देने हैं, आईटी स्टार्टअप्स कैसे देने हैं, उनको नौकरियां कैसे देनी है। तो मैं एबताबाद से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि वोट आपके एक वोट की पर्ची नहीं है, आपकी तकदीर का फैसला है। और जो नवाज शरीफ को धोखा देता है मुस्लिम लीग नून के नाम पे, कभी गवर्नर बनता है, कभी वजीर आला बनता है, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को, जमात को और आपको पीठ दिखा के भाग जाता है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपका नुमाइंदा मुर्तजा जावेद अब्बासी और वो सब हैं जिनका मैंने अभी चुन चुन के नाम लिया है, शेर को इतना वोट देना, शेर पर इतनी मोरे लगाना कि शेर इंशाल्लाह हुकूमत में आकर आपकी बेहतरी के लिए दिन रात काम करे, आपकी खिदमत के लिए दिन रात काम करे। अब क्योंकि मौसम खराब हो रहा है तो मेरे हेलीकॉप्टर से वापस जाना है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। लेकिन मैं आपके फरोख के लिए नमाज शरीफ से।
टोटल सर्कल बन गया। मैं एक बार फिर अपने नौजवानों से ये सब खड़े मैं कहना चाहती हूँ, आप मौका देना, इंशाल्लाह हम नौजवानों की तकदीर बदलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला एबताबाद वालों आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।